हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो वो जाने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है जीके का। ये अक्सर किसी ने एग्जाम में ये जो है पूछा ही जाता रहता है। तो प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वो है राज तरंगिणी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है, यह भी आपको याद होना चाहिए। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था किसने? और अभी तक आप लोग पेट का फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज़ फॉर्म को भर दीजिए। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जिनका फीस नहीं कट पाया था तो वो लोग फीस भी कटवा सकते हैं 31 जुलाई तक। कुछ अभी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। पेट से संबंधित, टीचिंग से संबंधित कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसका यानी कि चार मीनार का निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन जो है मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? भाई जवाब देंगे सब लोग, निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? तो बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा संघ का प्रथम पेशवा था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? जवाब देंगे सब लोग, निम्न में कौन सही सुमिलित नहीं है? फाइव का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। फाइव का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तबकात ए नासिरा, उसके सामने लिखा हुआ है मिनहाज उन उस सिराज, तारिक ए फिरोसाही, जियाउद्दीन बरनी, मुंतखाब उत तावारीफ बदायूनी, उसके सामने लिखा हुआ चचनामा। चचनामा एक जो है अरबी भाषा में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो अली अहमद हैं। ठीक है, ये पुस्तक जो है इसके लेखक जो हैं अली अहमद हैं। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम लिखा गया है, बाकी सभी पुस्तकों के लेखक बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला आपका जो है सुमिलित नहीं था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? सिक्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई, जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसने जहांगीर ने? तो विलियम हॉकिंस को जो है दिए थे इंग्लिश खान की उपाधि। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें बताइए कौन सही सुमिलित नहीं है। सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्थाई बंदोबस्त लिखा हुआ है। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त की पद्धति जो है लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और सहायक संधि प्रणाली ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है लागू किया गया था। आगले नेपाल युद्ध, यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है सर जॉन सोर, जो कि इसमें यही सुमिलित नहीं है। ठीक है, ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के मतलब शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगले नेपाल युद्ध 1814 में। ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सही है ये वाला। तृतीय अगले मराठा युद्ध, ये लॉर्ड हेस्टिंग के युद्ध शासनकाल में हुआ था। समझ में आ गया। आगे देखते हैं,
काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आठवां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काकोरी जो रेल डकैती हुई थी, काकोरी कांड हुआ था, ये कब हुआ था, डेट याद रख लीजिएगा, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी भी दी गई थी। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदंबरम पिल्ले जो है किए थे स्वदेशी आंदोलन का नेता, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? दसवां का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न आ गया है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया था? ये क्वेश्चंस अभी जो है पोस्ट किया हूं मैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया? 1980 में, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार्गी परियोजना किस राज्य में है? बार्गी परियोजना किस राज्य में है भाई, बार्गी परियोजना किस राज्य में है? तो बार्गी परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग, 13 का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो इसमें बाकर कोशिकाएं जो हैं भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो निजाम सागर ये जो है परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निजाम सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजीरा नदी पर बना है, किस नदी पर? मंजीरा नदी पर, ठीक है। चलिए निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? निम्न में से जो है लघु उद्योगों की जो है क्या समस्या है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे, निम्न में से जो है लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव हो गया, कच्चे माल का अभाव हो गया, विपणन का अभाव हो गया, ये जो है लघु उद्योगों की जो है समस्याएं हैं, तो ये सभी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो बंद अर्थव्यवस्था से हम समझते हैं आयात निर्यात बंद, ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में से जो है कौन अप्रत्यक्ष कर है भाई, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें उत्पाद कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक के लिए चलाई जा रही हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक ले चलाई जा रही हैं? देवलाली से दानापुर के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जवाब दीजिए सब लोग, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये है पिलानी में, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पिलानी कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है? वो कौन सा संविधान संशोधन है?
21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा जो है यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो संविधान संशोधन है 24वां। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? 22 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये लागू नहीं होगा जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? सभी लोग भाई 23 का जवाब देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर 1833 को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सही सम्मिलित नहीं इसमें? कौन सही सम्मिलित नहीं है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तृणभक्षी ये सुमिलित नहीं है, यहाँ पे गौण उपभोक्ता लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आपका मतलब ये उत्पादक है तृणभक्षी एक, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर कुकरों में प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है? जवाब दीजिए सब लोग। प्रेशर कुकरों में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है? तो वो है बैकलाइट। क्या है? बैकलाइट। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? ये हाइपोथैलेमस में है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 29 का जवाब देंगे। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सी है? जवाब देंगे अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय। चलिए, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पेंडुलम घड़ी त्रिगति से चल सकती है किस काल में? पेंडुलम घड़ी त्रिगति से चल सकती है किस काल में? तो ये जो है शीत काल में जो है चल सकती है त्रिगति से पेंडुलम घड़ी। ऑप्शन का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे GKGS के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी UP SSSP एग्जाम की अपडेट रहेगी, UP BEd काउंसलिंग की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।